जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड 19 वैक्सीनेशन के प्रगति की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिला व पुरुष का 100% कोविड 19 वैक्सीनेशन पूरा किया जाए। जनपद में अब तक प्रथम डोज लगभग 23,76,880 और द्वितीय डोज 9,82,372 लग चुका है। जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सकों, आंगनबाड़ी सहायिका, ANM, आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि जनपद में जितने भी लोग कोविड टीकाकरण से वंचित हैं या जिनका दूसरा डोज या प्रथम डोज बाकी है, उन्हें चिन्हित करते हुए उनका टीकाकरण अवश्य कराएं। जिलाधिकारी ने जनपद में प्रत्येक टीम द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन 150 लोगों का टीकाकरण करते हुए एक माह में जनपद में 100% टीकाकरण कराने का निर्देश दिया। बैठक में CMO डॉ. सुधाकर पांडे सहित अन्य चिकित्सक और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये सब टीका पे मुझे मतलब नहीं थी, मैं ये पूछ रहा हूँ ब्लॉक वन टेस्ट वर्कर्स का जो फर्स्ट डोज 77 क्यों ऐसा हो रहा है? 66.4 नहीं, 66.4 मतलब 18 प्लस का है ना, मैं 45 प्लस का पूछ रहा हूँ। कहाँ गए? जरूरी मतलब 45 प्लस की बात कर रहा हूँ जो एक साल से चल रहा है, पिछले जनवरी में शुरू हुआ था। आप लोग क्या प्रयास किए बताइए ना, रेलवे में क्या? और 28 सेंटर हमारे यहाँ 70 रोजाना के लिए कर दिया गया है कि हर रेलमन रोजाना वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं उनको हम वैक्सीन। गाँव वाइज एनालिसिस किया है?